तो गाइस मैं अपनी गाड़ी का टोटल वेट बता रहा हूँ आपको, 400 किलो। आपको दिख रहा है ऐसे, मतलब मैं, मैगी और ये 400 kgs। सो गाइस आई वेलकम यू ऑल टू द सिटी ऑफ मार्बल्स। और अब आप अपने चारों तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी देखेंगे, हर तरफ मार्बल ही मार्बल मिलेगा आपको। और ये भाई मिले हैं हमको, ये अजमेर से हैं और हमको मार्बल्स दिखाने लेके जा रहे हैं, मार्बल्स। सुना सफ़र है, प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे। हम लोग ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते हैं। आप लोगों को भी मैं बता दूं कि आप आने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि अंदर जाने के लिए परमिशन लगती है। अब हम लोगों को परमिशन मिलती है कि नहीं ये आगे अब मैं देखता हूँ, बट ये यहाँ पे आने से पहले परमिशन लगती है। ये देखिए सर, क्या भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। अरे वाह, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये कहाँ आ गए हम मैगी? गाइस आज हम आ गए हैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट के किशनगढ़ शहर में। ये एशिया का सबसे बड़ा मार्बल प्रोडक्शन सिटी है, इसलिए यहाँ पर आना बहुत ही आसान है। या फिर आप लोग रेलवे से, बसेस से या फिर एयरवेज से किसी से भी यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग बाइक से आए तो आप बाइक से भी आ सकते हैं अपनी। वैसे इस जगह का नाम मदनगंज किशनगढ़ है, पर लोग इसे किशनगढ़ के नाम से जानते हैं। इसे जयपुर और जोधपुर के राजघरानों ने बनाया था। यहाँ पर काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे दबंग 3, बागी 3। अगर आप लकी हुए तो यहाँ पर आप अपने फेवरेट स्टार से भी मिल सकते हैं। मैंने और मैगी ने भी यहाँ पर काफ़ी सारे फोटोज़ क्लिक कराए। अगर आप लोग भी मेरे फोटोज़ देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट। बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज़ सुबह 9 बजे से पहले या फिर 5 बजे के बाद। तो गाइस वी आर रेडी टू गो और हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से नाइट स्पेंड करी, सब कुछ अच्छा था। और यहाँ पर जूलॉजी के सर मिले हुए, विश्वजीत सर, और ये मेरा भाई आंटी। नमस्ते। नमस्ते लड्डू पेड़ा सर। कल बहुत मज़ा आया। ये काकी आपको नहीं मिलेगी कहीं। अरे लड्डू पेड़ा सस्ते नहीं है, लड्डू पेड़े सस्ते में डालूंगा। और वो कोर्ट मैरिज क्या हुआ? है? हो गया, कितने साल हो गए? 12 साल। अच्छा अगली बार आऊंगा तब इतने तो बच्चा बच्चे कई लाइन लगा दूंगा मैं, कॉलेज खोल दूंगा एक। 6 साल से तो मैं विटनेस हूँ। कॉलेज ने मैं बना रहा है, हमारी कॉलेज भी इन्होंने बनी। तो अगर कोई भी फीमेल कैड आना चाहती है यहाँ पे तो ये पीजी है,
आप जैसे मतलब यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पे, कुछ पेमेंट रहेगा, पेड रहेगा, वो मैं आपको नंबर वगैरह मैं उनका अंकल का दे दूंगा। अच्छा, आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करके उनसे यहाँ पे जब ट्रैवल करें तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं किशनगढ़ में। और ये करीब करीब जो मार्बल डंप यार्ड उससे 9 किलोमीटर दूर है, तो आपको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ से आप अजमेर बहुत नियर बाई पड़ेगा, तो ये सीधे डायरेक्ट मतलब आप मार्बल डंप यार्ड घूमें उसके बाद रुके और अजमेर के लिए निकल जाएं। तो हम लोग चलते हैं, मैगी भी रेडी है, चलो मैगी। ओके लेट्स गो। इसको चश्मा पहना दिया जाए क्योंकि अब अपन तेज चलेंगे आज। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। चलता हूँ मैं। ओके तो ये कमरा मिला था मुझे देखने के लिए, थोड़ा सा गंदा जरूर है बट ये है कि अगर जब आप आने वाले होंगे तो अंकल को पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिएगा, दैट विल बी अ मोर बेटर फॉर यू। अंकल काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ा आईडी वाईडी ज़रूर लेंगे आपसे, सारी चीज़ें करेंगे, खाना भी मिल जाएगा आपको यहीं पर, सारी चीज़ें। बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब लिटरली जो वो लोग हैं ना खाना बनाने वाले, यार रियली गुड। मतलब मैगी को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट खाना, सारी चीज़ें उन लोगों ने मैगी के लिए पैक भी करके दिया है खाना। अब हम लोग अजमेर निकलेंगे यहाँ से राइट, और ये कैमरा सेट कर लेते हैं, हम लोग यहाँ से अजमेर जाते हैं। हाँ तो भाई, अजमेर डिस्ट्रिक्ट हमारा स्वागत करता है, करना भी चाहिए। महारानी आई हुई है हमारे साथ में, स्वागत तो करेंगे। अपने पहिए रख दिए हैं, कदम नहीं पहिए रख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आसपास अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में आओ, मज़ा ही आ जाता है। मुझे मतलब पता क्या, मतलब ये जो शहर है ना, मतलब अजमेर हुआ, किशनगढ़ हुआ, जयपुर हुआ, सांभर, मतलब जिन शहरों में मैं घूम रहा हूँ मैंने स्टोरीज और वार्ड्स में सुने हुए हैं। तो रुकेंगे और फिर यहाँ से हम लोग सीधे पुष्कर के लिए निकलेंगे। ओह वाओ, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अजमेर की झील भी है, वाह यार, हाँ वाओ, दिस इज रियली फैंटास्टिक। तो गाइस बहुत ही मतलब सिनिक व्यू है यहाँ से, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं इसके आई लव अजमेर पॉइंट पर। अजमेर का ये सेल्फी पॉइंट, और यहाँ पे हमने फोटोज क्लिक कर ली हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं महाराणा प्रताप की स्टैचू के पास, उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट देंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे उनकी, और आगे बढ़ेंगे।